तो मैं बात जो कर रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो सचमुच एक चुनौती तो है। मिनट में रिकॉर्डिंग फिर से शुरुआत कर लो। हाँ जी, तो मैं ये बात कह रहा था कि और ये विषय का जो समकालीनता या समसामयिकता क्यों है, बात ये है कि अगर हम साहित्य में सिर्फ अच्छा अच्छा देखेंगे लिखेंगे तो फिर समय के साथ उसकी जो समकालीनता है या उपयोगिता है वो कहीं पीछे हो जाती है। ये बड़ी चुनौती है। और जोशी जी का जो साहित्य है वो इसी बात को बताता है। अब जैसे उनका एक संकलन है देवता होने का दुख, है संकलन का नाम है देवता होने का दुख। अब देवता होने का दुख मतलब ये उसमें ही पता चल रहा है कि जो विडंबना है, श्रेष्ठ होने की जो विडंबना है, वो क्योंकि संसार सिर्फ श्रेष्ठता नहीं है, संसार में सब कुछ है, तो सब कुछ के लिए हर तरह की अभिव्यक्ति की गुंजाइश होना चाहिए, ये संकलन का ध्येय है। एक और उनका संकलन है झुमका खोने की स्वर्ण जयंती। अच्छा शीर्षक में ही जो उसका मंतव्य जो है स्पष्ट होता है। एक और है बड़ा बहुत ही चर्चित है, कुड़क मुर्गियों का लोकतंत्र। अब आप सोचिए जो शीर्षक है व्यंग्य का मतलब संकलन का बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। एक और है कौन सुने इकतारा, मतलब इस संसार में प्रवाद चल रहा है, प्रमाद चल रहा है, हर व्यक्ति आत्मा लाभ कर रहा है, सुनने वालों की कमी है, बोलने वाले अधिक हो गए, तो मैं समझता हूँ कवीराना होने की आवश्यकता है, ऐसा जोशी जी का मानना है। अब मैं जल्दी से प्रतिभागी जो हमारे अगले प्रतिभागी हैं उनको मैं मनीष, आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक मिनट, उनका थोड़ा सा पर्ची पढ़ देता हूँ। मनीष जी को मैं, ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और इनको भी मैं कवि और गजलकार के तौर पे ज़्यादा पसंद करता हूँ, मानता हूँ। बैतूल मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से स्नातकोत्तर। हिंदी साहित्य विशेषकर कविताओं में विशेष रुचि, अनेकानेक पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। सिएटल इलाके में होने वाले कवि सम्मेलनों और गोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी, अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत तथा विश्व रंग भोपाल में सम्मानित, संप्रति माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर अभियंता तथा सिएटल में निवास करते हैं। मैं मरीज जी को और भी बहुत सारे इनकी प्रतिभाएं हैं तो उसको न बताते हुए उन्हें अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। भाई मनीष जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद ये मौका देने के लिए। मैं तो मतलब एक बहुत छोटा, आप लोगों जैसे इतने बड़े दिग्गज लोगों के मंच में मैं बहुत छोटा हूँ, और छोटा उम्र में साहित्यिक कार्य में और साथ ही साथ दिमाग में भी, तो हर तरह से बस सीखने की कोशिश है। तो बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। जोशी जी के से मुलाकात हुई थी विश्व रंग में, और एक ऐसा आपने छाप छोड़ी दिमाग में कि अभी तक मुझे याद है। जो भी हमारी बातचीत हुई, एक छोटे से किस्से से शुरुआत करता हूँ। तो किस्सा कुछ यूँ है कि विश्व रंग में हम लोग बैठे हुए थे, और जोशी जी के साथ ही बैठा हुआ था मैं, और बैठे रहे हम लोग। तो हमने देख, और तब तक कुछ कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, तो एक एक कार्यक्रम होने वाला था कवि कवि गोष्ठी का, एक कवि सम्मेलन। और फिर हमने देखा कि कुछ दिग्गज दिग्गज कहे जाने वाले कुछ कवि लोग
वहाँ आसपास के जो ऑर्गेनाइजर है उन्हें डांट रहे हैं कि आपने मेरे, ये क्या है, आपने मेरे पास चाय नहीं पहुंचाई, यहाँ कुछ पानी पीने को नहीं है, और सब जो छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्हें जोरदार डांट पिलाई जा रही थी इन दिग्गज कवियों के द्वारा। उसके थोड़ी देर फिर मैंने जोशी जी से कहा कि ये किस तरह के, मतलब किस तरह से बच्चों के साथ इस तरह का वो नहीं करना चाहिए व्यवहार। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम फिर बैठे हुए थे, फिर उन्हीं कवियों ने फिर काव्य पाठ चालू किया, और कविता जो थी वो गरीबों की गरीब किस तरह से कैसे मार्मिक जीवन होता है गरीबों का, और इस विषय पर कविता सुनाई। तो मैंने जोशी जी को देखा, जोशी जी ने बोला कि देखो आप, मतलब यही है सच्चाई है दुनिया की। तो उसके बाद फिर हम लोग ने इस विषय पर काफी सारी बात करी, और तभी तब मुझे इनके रचना संसार के बारे में भी पता चला, और व्यंगों व्यंगों के प्रति जो आपका काम है उसके विषय में पता चला। और जैसा कि आपने शुरुआत में बात करी कि जो सत्ता को और शक्तिशाली को आईना दिखाना, ये मतलब आपसे आपसे 5 या 10 मिनट रूबरू होके ही आप समझ जाते हैं कि मतलब रमेश जी किस तरह से ये काम में बिल्कुल मतलब महारत रखते हैं, और मतलब बहुत बड़े पंडित हैं इस विधा के, समझिए। तो और मैंने काफी कुछ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो मुझे मिलता है पढ़ने की, और कोशिश रहेगी कि और भी पढ़ूँ। सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कुछ मैं भी इस तरह का लिखना चाह रहा हूँ, तो आप आपसे सीखने की और तलब है। और इसके अलावा क्या कहूँ, एक अकबर इलाहाबादी के शेर से अपने बात को खत्म करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जोशी जी के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही शेर है कि दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। और बहुत ये धन्यवाद ये अब मौका देने के इलाहाबादी का नाम प्रयागराजी हो गया है, अकबर प्रयागराजी। लिए। जी गलत बहुत धन्यवाद। गलत गलत बयानी में पकड़े जाओगे। सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए अभी राहुल जी के दर्शन हुए, मैं समझता हूँ वो अभी यात्रा पे हैं, विश्व विजय करने के लिए निकले हुए हैं। तो ऐसे हमारे ये इस मंच के कवीर हैं, तो उनका भी बहुत स्वागत है, और मैं उनको देख के मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जोशी जी के बारे में या व्यंग्य साहित्य के बारे में अगर राहुल जी कुछ कहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और राहुल जी का परिचय मैं सुना दूं तो जरा अच्छा लगेगा। एक मिनट रुकिए। राहुल जी ये भी सिएटल में रहते हैं, और इत्तेफाक से देखिए कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो सभी आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो राहुल उपाध्याय जी का परिचय है। शिवगढ़ मध्य प्रदेश में जन्म, 3 दशकों से अमेरिका के विभिन्न शहरों में रहते हुए सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत है। कविताएं लिखते हैं, प्रवासी भारतीयों के द्वंद्व और दुविधाओं को बेलाग उजागर करते हैं, हिंदी में ब्लॉग लिखते हैं, कवि साहित्य तथा अभिनय में रुचि है, 2 अंग्रेजी नाटकों में आपने अभिनय किया है, और इन दिनों पूरी दुनिया घूमने का जुनून है। और ऐसे हमारे राहुल उपाध्याय जी हैं, मैं सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार रखें, विषय तो पता ही है उन्हें। राहुल जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है। जी? तो मैं आज घर लौट आया 77 दिन की यात्रा के बाद। 77 दिनों में 5 देश घूमकर अपने आज सुबह ही लौटा हूँ। तो ये कार्यक्रम के बारे में सूचना मिली तो मैंने कहा इसी को जुड़ता हूँ, तो थोड़ी देर हो गई इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। किसी मित्र का कुछ समस्या थी तो उससे बात कर रहा था। और व्यंग्य के विषय पर, रमेश जोशी के विषय पर,
तो वैसे इनके पीठ पीछे भी हमने बहुत बारे में बातें की है, तो आज पहली बार इनके सामने बात करने का सौभाग्य मिला है। तो चुनौतियाँ जिसे आप कह रहे हैं वो यही है कि कई बार कई संपादक लोग जो ये लिखते हैं उसको छापने में घबराते हैं कि कहीं छाप दिया तो कहीं कुछ समस्या ना खड़ी हो जाए, तो इतने बेबाकपन से लिखते हैं। पर चुनौतियाँ इनकी नहीं है, चुनौतियाँ उनकी हैं जो कि इनको छापने का साहस करते हैं। ये तो बेला, तो इनको चुनौती नहीं है, चुनौती बाकी। क्या आवाज कट रही है शायद? मेरी, हाँ आ रही है, आ रही है। ठीक हाँ, तो मैंने खत्म कर दिया, मैंने कहा चुनौती इनके सामने नहीं है, अच्छा। नहीं, लेखक की ये चुनौती की मैं बात कर रहा हूं, जो ये तो आपने एक टैगलाइन दे दी, इसके बाद तो आपकी बात शुरू होती है कि चुनौतियां किस तरह की हैं। आशय ये है कि लेखक की संदर्भ में, मतलब पिछले 10 सालों में जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो प्रचार प्रसार हुआ है कि त्वरित रचना कर्म शुरू हो गया है कि हमने अभी लिखा और अभी जो है उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त होने लगी है, तो इस वजह से जो आलोचना भी लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आप किसी को सच्चाई का आईना दिखा दें तो बड़ा मुश्किल है। तो पुराने जमाने में तो कबीर ने कहा ही था कि, मतलब दो तरीके की बातें उनने कही थी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जोशी जी उसी धुन में लिखते हैं। एक दूसरा, दूसरी बात, व्यंग्य लिखने में चुनौती ये है कि जो घर फूके अपना होए हमारे संग, तो घर फूकने का क्या मतलब है? घर फूकने का मतलब है हमारा जो अहंकार है, हमारा जो अस्तित्व है या हमारी जो विचारधारा है, उसके बारे में सही और गलत सुनने की क्षमता अगर है तो भैया हमारे व्यंग्य को आप पढ़िए। एक तीसरा, वो अभी कबीर ने तो अपने साथ लठेत रख लिए थे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, डंडा लेके चलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है, व्यंग्यकार को ना आज का समाज सत्ता पसंद करती है ना कबीर के जमाने में। मतलब जो सच्ची बात कहता है उसको कभी समाज स्वीकार नहीं करता। तो अब प्रश्न ये है कि इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद भी व्यंग कर्म वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये है प्रश्न। इतनी रिस्क लेके लेखन लेखन करना, क्या प्रतिबद्धता है? ऐसी वो कौन सी बात है कि इतनी इतनी चुनौती होने के बाद, इतनी सारी किंतु परंतु होने के बाद भी वो लिख रहे हैं? तो ये मेरे अपना मत था। तो आप थोड़ा इस विषय में भी कहिए, आप भी लगभग उसी परंपरा के हैं कि बगैर किसी लाग लपेट के आप अपनी बात रखते हैं। हाँ, तो ये तो है ना कि रोका नहीं जा सकता खुद को। जब कोई ऐसी बात निकलती है, जब कोई ऐसी विसंगति दिखती है जिसके बारे में मन उद्वेलित हो जाता है, तो तब लिखे बिना रहा नहीं जाता, और लिखे बिना और उसको साझा किए बिना रहा नहीं जाता। चाहे 10 आदमी बुरा बोले, 2 आदमी बुरा बोले, तो तब उस पर मेरा वो नहीं जाता है कि कोई क्या बोले। तो लगा कि विसंगति है, इसके बारे में मुझे लोगों के बारे में लोगों को बताना है, या फिर किसने कुछ लिखा उसके विरोध में कुछ लिखना है, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि हाँ में हाँ मिलाने से कोई बात नहीं होनी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे का पक्ष भी सामने रखूँ, तो ज़्यादातर तो मेरे यही रहती है। और आजकल जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग घबराते हैं, ऐसा नहीं, अगर सत्ता के खिलाफ लिखेंगे तो शायद थोड़ा बहुत है, पर समाज के खिलाफ लिखना तो आजकल आम बात हो गई है। मतलब लोग प्रशंसा कम करते हैं, आलोचना ज़्यादा करते हैं, निंदा ज़्यादा करते हैं, तो ये तो आजकल का फैशन बन गया है कि जितना हो सके उतनी बुराई निकालो किसी न किसी चीज़ में। अंबानी की शादी हो रही है तो अंबानी की शादी में क्या गड़बड़ हो रहा है सब लिखो, उसके बाद वाह वाह करेंगे, हाँ, इन्हें तो करोड़ों लुटा दिया, पर इनको शऊर नहीं है कि कैसे जीवन जिया जाए, संस्कृति क्या होती है। मतलब तो कोई भी जामित के बारे में बुरा लिखना शुरू कर दो ना। आजकल तो ये बड़ा अच्छा तरीका माना जाता है कि आपने किसी की प्रशंसा नहीं की, आलोचना की, एक तो आप हंसी माने जाएंगे और ऊपर से ये भी कि आपने कोई नई बात निकाली, तो लोग तो खुश होते हैं आलोचना लिखने में, निंदा लिखने। बस वही कि सत्ता के सामने बारे में कुछ लिख देंगे तो हो सकता है कुछ दंड वंड मिल जाए, तो इसलिए लोग बसते हैं। बहुत धन्यवाद राहुल जी।
उमेश जी से आग्रह है कि कुछ और वो कहना चाहेंगे लेख की कर्म पे। लेख की कर्म पे मुझसे बुलवाने के बदले मैं सुनना चाहता हूँ काका जी से। काका जी आप बताइए कि आपका इतना लंबा सफर जो अभी तक के का रहा, जो उतार चढ़ाव आपने देखे, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये लेखनी, ये विधा और नए लोग जो जुड़ रहे हैं इस विधा से, उनका क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए और क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं? रमेश जी अच्छा, तो ऐसा है कि भाई जय जयकार करने में तो न तो अकल की जरूरत न हिम्मत की जरूरत। आप किसी को भी जिंदाबाद जिंदाबाद करने लग जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तो भी खतरा कुछ नहीं। लेकिन जो जिंदाबाद का है वो साहित्य नहीं होता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी उसको आवश्यकता है जिसकी आप जय जयकार कर रहे। हो सकता है उस जय जयकार का फायदा उठा करके वो कुछ कुछ और बड़ा अपने आप को बना ले, सत्ता के हिसाब से, बल के हिसाब से, लेकिन उसका समाज से कोई संबंध नहीं है। बल्कि वो समाज को एक प्रजा में बदल देता है। और राजा और प्रजा का रिश्ता भारत में अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। यूरोप में आप देखेंगे जब पुनर्जागरण का काल आया है तो धर्म की सत्ता को, राजा की सत्ता को वहां चुनौती दी गई, और इसलिए वो निश्चित रूप से वहां की जो जनता है वो जनता से नागरिक बने। नागरिक में उस समाज की हिस्सेदारी है उनमें, वो अपने आप को उस समाज के निर्माता और जिम्मेदार सदस्यों के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें तो जिन देशों ने राजतंत्र को और धर्म के तंत्र को प्रश्न करना शुरू किया, वही देश आज शक्तिशाली हैं। उनके साथ एक दूसरी बात जुड़ी हुई है कि उनके उपनिवेश थे इसलिए उनको साधन मिल गए, बहुत धन उन्होंने उपनिवेशों से अपने यहाँ साइफन किया, लेकिन केवल धन से ही वो आगे नहीं है। आप देखिए कि दुनिया भर के लोग अमेरिका जाना चाहते, क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका? खाली धन ही थोड़ी है, वहां एक खास तरह की आजादी भी है, और वो आजादी उनको आकर्षित करती है और उस आजादी का वहां उनको लाभ मिलता है। यहां जिस बात के लिए लोग आपकी लिंचिंग कर देंगे, आपकी टांगे तोड़ देंगे, आपको गोली मार देंगे, ऑनर किलिंग कर देंगे आपका, वहां ये नहीं है। वहां अगर किसी की लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है तो कोई तकलीफ नहीं है, और माँ बाप भी नहीं बोल सकते। इसका मतलब कि वहां का बच्चा इतना आत्मनिर्भर स्वतंत्र है और अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है, लेकिन यहाँ वो नहीं ले सकता। सारा घर, मोहल्ला, रिश्तेदारी, सरकार, समाज, सारे उसके ऊपर टूट पड़े। तो इसी तरह से विचारों की भी बात, वो स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी ना, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। और जब हम दुनिया के गुरु थे या दुनिया में हमारा डंका बजता था, तब हमें आजादी भी थी, ऐसी आजादी जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। भाई वो धीवर की कन्या है और शांतनु उसकी तरफ आकर्षित हो गए और उसे शादी कर ली, जबकि पहले से उसको एक बच्चा है, न वो क्षत्राणी है न वो कुंवारी है, उसके एक बच्चा है वेद व्यास, और उसके पिता पाराशर ऋषि उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है, उसकी एजुकेशन का इंतजाम करते हैं, सारी दुनिया जानती है, सत्यवती नाम से महारानी बनती है। दो बेटे जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि संतान पैदा कर सके, तो नियोग के द्वारा वेद व्यास से संतानें पैदा होती है और सारा समाज उनको स्वीकार करता है। क्षत्रिय थोड़ी है, धृतराष्ट्र और पांडु क्षत्रिय नहीं बचे हैं, वो पाराशर के पुत्र वेद व्यास की संतान है। बायोलॉजिकली कानूनी रूप से ठीक है, वो क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय का उनके ऊपर अधिकार है, क्षेत्रज पुत्र एक हुआ करता। तो धृतराष्ट्र और पांडु जो हैं वो शांतनु, उनके विचित्र वीर और चित्रांगद के क्षेत्रज पुत्र हैं,
औरस पुत्र नहीं है, उनसे पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन उनके पत्नी से पैदा हुए हैं, इसलिए वो उनके क्षेत्रज पुत्र हैं। आप मनुस्मृति में देखेंगे कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक औरस पुत्र है, दत्तक पुत्र है, क्षेत्रज पुत्र है, मानस पुत्र है, कई तरह के पुत्र होते। तो कितना विस्तार था उन लोगों का, ये देखे कितनी आजादी थी, और विचित्र से विचित्र स्थिति को वो स्वीकार कर सकते थे, ये थी स्वतंत्रता। वहां से हम यहाँ पहुंच गए हैं, किसी दूसरे दूसरी जाति में ही शादी कर ली, दो हिंदुओं में ही शादी कर ली, तो भी अब ये हमारे पतन का ये कारण, हमने मनुष्य की आजादी को काट छांट देना चाहते हैं, हम उसे अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। तो अनुयायी हो गया तो भाई भेड़ बकरी हो गया, फिर आदमी कहाँ रहा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी को आजादी, और उस आजादी के लिए ही बोलना है, उस आजादी के लिए ही बेचैनी होनी चाहिए। कोई पैदा होता है, आपकी रियाया नहीं है, आपकी प्रजा नहीं है, आपका गुलाम नहीं है, आपकी भेड़ बकरी नहीं है भाई, वो एक स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर के पैदा हुआ है, उसे विकसित होने दो, वो भी दुनिया को बेहतर बना सकता है, तुमने ठेका थोड़ी दे रखा है। तो इसलिए ये जो बातें हमारे समाज में भी है, हमारे साहित्य में भी आनी चाहिए। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप सच नहीं बोल सकेंगे, किसी को आजादी देंगे। जो खुद गुलाम होता है वो दूसरों को गुलाम बन, मेरा ये मानना है। स्वतंत्र व्यक्ति दूसरों को स्वतंत्र करता है, और स्वतंत्र होने से ये दुनिया विकसित होगी। अब शायद उमेश की बात का मैंने उत्तर नहीं, निश्चित तौर पे आपने उमेश जी, उमेश जी आप म्यूट हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था काका जी, आपने बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण भी दिया इसका। और थोड़ी देर पहले हम लोग जो बात कर रहे थे स्टैंड अप कॉमेडियन की और जो व्यंग्यकारों की, वो ये दोनों चीजें जो है जुड़ी हुई लगती है मुझे, क्योंकि जो मौलिक विचार होने चाहिए व्यंगों में या साहित्य में, उसकी कमी दिखती है। वो किस कारण से दिखती है उसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो दिखती है। तो मैं जो आपसे पूछ रहा था कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश ये है, अधिक से अधिक पढ़ो, पढ़ो। अधिक हाँ। से अधिक लोगों से मिलो। जो आदमी जितना अकेला रहेगा वो उतना ही फेनेटिक, सीनिक और पागल हो जाएगा। जो आदमी जितना दुनिया घूमता है वो उतना ही बड़ा बनता है, उसकी सोच बड़ी होती है। जो भी लोग कट्टर हैं, किसी भी धर्म में देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, किसी भी जाति और समाज में देख लीजिए, वो लोग हैं जो अपना गांव छोड़ के नहीं, जो अपने पड़ोसी से भी बात नहीं करते हैं, उससे भी ऊंच नीच करते हैं। जिस दिन वो घर से बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, दुनिया में घूमेंगे, तो उनको लगेगा कि सारे जीव लगभग एक ही तरह से हैं, और एक ही उनकी इच्छाएं हैं, एक ही उनके सुख दुख हैं। तब आप उनके साथ शेयर करोगे। मैं आपको बताऊं कि मैं आदर्श विद्या, अशोक ने आदर्श विद्यालय का नाम लिया, मैं आदर्श विद्यालय में नहीं था, केंद्रीय विद्यालय। आदर्श विद्यालय के आदर्श बहुत संकुचित हैं, वे एक धर्म विशेष, एक वर्ण विशेष को लेकर के चलते हैं। केंद्रीय विद्यालय में सभी जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के बच्चे रहते हैं, और संयोग से उनके बीच में भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने के कारण, न तो मैं किसी जाति को लेकर के फेनेटिक हूँ, न धर्म को लेकर के फेनेटिक हूँ, न भाषा को लेकर के फेनेटिक हूँ। मुझे किसी भाषा से कोई परेशानी नहीं है, किसी बच्चे के जाति धर्म से कोई परेशानी नहीं। और उनके बीच उन सब की बात सुन करके, उन सब के लिए कुछ बात करने में, या उनको समझाने में, उनको समझने में छोटे दृष्टिकोण से काम नहीं चल सकता। एक एक केंद्रीय विद्यालय जो है वो एक प्रकार से पूरा भारत है, और आप जब अमेरिका में रह रहे हैं तो पूरी दुनिया है आपके साथ। ऐसे ऐसे देशों के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हमने यहाँ देखा नहीं, और उनके बीच में आप रह रहे हैं, धीरे धीरे उनके साथ आपकी रिश्तेदारियां हो रही हैं, क्रिश्चियंस में रिश्तेदारियां हो रही हैं, हिंदुओं की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, मुसलमानों में हो रही है, और दूसरी जाति धर्म वालों में हो रही है। तो वो एक तरह से उदार बन रहे हैं, वो जिस वाटर टाइट कंपार्टमेंट को छोड़ करके यहाँ से गए थे, उससे बाहर आ गए हैं। अगर नहीं आएंगे तो उनके बच्चे ही रिवोल्ट करते हैं।
और वो उस समाज के लिए हानिकारक ही बन रहा है। इसलिए आप में जो खुलापन आ रहा है वो इसलिए आया है कि आप बाहर निकले हैं। आपके आचरण को हो सकता है आपके गांव के लोग आज भी पसंद न करें, पीछे से बातें करें, क्यों? क्योंकि वो वहां से बाहर नहीं निकले। राहुल सांकृत्यायन अपने घर से निकल गए थे 10-12 साल की उम्र में, और उसके बाद दुनिया छानते रहे वो, तो अंत में जाकर के वो मानवतावादी हुए। पहले सनातनी थे, उसके बाद वो आर्य समाजी हुए, फिर बौद्ध हुए, फिर कम्युनिस्ट हुए, और फिर कम्युनिस्टों को भी उनकी आइडियोलॉजी नहीं पची तो उन्होंने निकाल दिया राहुल जी को, पार्टी से निकाल दिया, और वो अंततः मानवतावादी हुए। तो आपको अपनी जब जब जैसे जैसे आप अपने कुएं से निकलेंगे, सारी दुनिया में घूमेंगे, तो सारी कट्टरताएं कम हो जाएंगी, आपको ये दुनिया फिर अजीब नहीं लगेगी, शायद अपनी लगेगी। आप देखिए, आप एक कुत्ता पालते हैं, उसके चार रंग होते हैं, आदमी के दो रंग के बाल आपको बर्दाश्त नहीं होते। आदमी अपने बाल रंगता है, कई तरह के नकली नाटक करता है, लेकिन वो जानवर न आपकी जाति का है, न आपके धर्म का है, न वो बड़ा अजीब सा है, और फिर भी आप उसे प्यार करते हैं, क्यों? मैंने बहुत से लोगों को मतलब इस तरह से बेचैन होते देखा है, जिस तरह से घर का बच्चा मर गया हो। तू प्यार कहाँ से आया भाई? संगति से आया। जोशी जी, आपने उसको उसी रूप में स्वीकार किया। जी, मैं बात को बढ़ाते हुए आपकी कुछ लाइनें उद्धृत करना चाह रहा हूँ, जिससे थोड़ी रोचकता मतलब किसी को आप थप्पड़ भी लगा रहे हैं लेकिन मुस्कुराते हुए। मास्टर को तो जब घंटी बजती है ना तब पता लगता है कि हाँ भाई अब क्लास पूरी हो गई। तो आपने लिखा है, आपने लिखा है बेगाने मौसम में, सर पर है झीना सा अंबर, सर पर है झीना सा अंबर, तिस पर मौसम के ये तेवर, हालत पतली है खस्ता है, उनके आश्वासन तो हैं पर, सारे सफर निरर्थक निकले, जैसी धरती वैसा अंबर, और सूरज आसपास ही होगा, मुखर हो रहे कलरव के स्वर, कुछ साजो सामान नहीं है, फिर भी अपना घर अपना घर। तो ये घर जो है, ये घर जो है भाई, अपना घर नहीं, हाँ, ये पूरी धरती है, ये पूरी जी, हाँ। अब मैं सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए अशोक जी से कहूंगा कि सृजन और रचना कर्म के ऊपर वो क्या अपनी राय थोड़ी सी बताएंगे, और खासतौर से सृजन में व्यंग तो एक विधा है ही है, हर एक सृजन में एक चुनौती है, तो उस चुनौती के संदर्भ में अगर अपनी बात रखें संक्षिप्त में अशोक जी। एक बात लेकर चलते हैं, बड़ी साधारण सी बात है कि जो लेखन का चलन है, तो भाई आपने बोला हम जा रहे थे, हमने खाना खाया, हम सो गए और सबेरे नींद खुली, चिड़िया बोल रही थी, पक्षी बोल रहे थे, सूरज निकला, कविता हो गई, एक अतुकांत कविता हो गई। इसके बाद बहुत सारे लोग हमारे पास पढ़ने आते हैं, बोले मैं एक दोहा सुनाता हूँ। तो दोहा आपने सुनाया और दोहा में मालूम पड़ा 26 के बजाय 36 मात्राएं हैं। तो जोशी जी का एक छोटा सा लेख है, देखिए खुद ही तोताराम से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से कटाक्ष करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब राम मंदिर की बात चल रही थी, तो वो तोताराम जी कहते हैं कि अरे मास्टर एक दोहा सुन, कि होंगे जगमग दीप असंख्य लौटेंगे घर राम, तो स्वागत करने पहुंचेगा जगत अयोध्या धाम। और दोहा सुनाकर तोताराम खुद ही वाह वाह करने लगा। मैं आपको वाकई में बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपको ये नहीं पता है कि दोहा भाई लघु दीर्घ से शुरू होकर लघु पे खत्म हो, और मतलब नहीं पता 11-13 का भाव होना चाहिए, लोगों को नहीं मालूम। लिखते हैं दोहा है, सुन लीजिए, शेर है, आप शेर सुन लीजिए, आपको पता नहीं है कि भाई काफिया मात्रा क्या है, तो उस पर देख के तोताराम से जो है गुरु जी ने क्या बात की है। तो कहते अरे हमने कहा ये दोहा नहीं, अरे ये तो अशुद्ध है, इसके पहले चरण होंगे जगमग दीप के आधार पर लगता है रचनाकार का इरादा सोठा लिखने का है, और दूसरे चरण लौटेंगे घर राम से दोहा लगता है, तीसरा चरण स्वागत करने पहुंचेगा न सोरठा का है न ही दोहे का है। पहले और दूसरे चरण में मिलकर 26 मात्राएं हैं, और इसी तरह तीसरे और चौथे चरण को मिलाकर भी एक मात्रा ज्यादा है। अब देखिए यहां बदमाशी शुरू होती है लेखन की। तोताराम क्या कहता है,
भाजपा का उदार शासन है, किसी बात की कोई कमी तो नहीं रखती। भगवान राम के स्वागत के लिए खुले दिल और खुले हाथ से बजट का प्राविधान किया गया है 113 करोड़ रुपए, और दोहे की 24 24 मात्राओं से 26 25 हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। तो अब कहते हैं जोशी जी, अरे लेकिन हमने कहा तूने हिसाब लगाते समय पहले चरण में असंख्य शब्द पर ध्यान नहीं दिया, विज्ञापन में दियों की संख्या 5.5 लाख बताई गई, कहां से कहां बात जा रही देख लीजिए आप। इस गहमा गहमी में कौन गिनेगा कितने कम दिए जलाए गए, और असंख्य में तो और घपला है, 5 करोड़ या 5 अरब भी हो सकते हैं। तो खैर देखिए, इस बातचीत को पूरी न करते हुए दोहा बाद में शुद्ध होकर इस तरह बनता है कि लौटेंगे वनवास से लक्ष्मण सीता राम, स्वागत करने के लिए चलो अयोध्या धाम, 13-11 दीर्घ से शुरू लघु पर खत्म। तो ये जो दोहा की मात्रा है, तो जिनको समझने वाली बात है कि भाई दोहा कुछ भी नहीं हो सकता है, एक संदेश छोटी सी बात से दिया गया, उसमें उन्होंने 3-4 लोगों को और समेट लिया, वो उनकी खास बात है कि समाज में जो हो रहा है उसको कहना, लेकिन अपने एक इशारों में कहना और उसको अपने एक बहुत ही सटल वे में कहना, वो रमेश जी की खास बात है। तो एक छोटा सा उदाहरण था, और मेरे ख्याल से समय आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता। हाँ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात कह दी, जो सबसे ज्यादा कठिन मामला था उसको आपने बहुत सहजता से कह दिया। मैं जल्दी से जोशी जी के एक दूसरे पक्ष के बारे में भी अपनी बात रख दूं, उसके बाद मनीष जी के पास आऊंगा। ऐसा नहीं है कि जोशी जी ने सिर्फ भारत की सत्ता के बारे में, सत्ता शीर्ष या सरकार के बारे में लिखा है। जोशी जी का एक संग्रह है माई लेटर्स टू जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश के कार्यकाल में रोज या जब भी उनने हर हफ्ते लिखा है तो पूरा पूरा संकलन है। तो और उस समय बुश जो है राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और वहाँ के जो लोकतंत्र के जो संदर्भ हैं और उनमें क्या गड़बड़ झाला हो रहा है, और कैसे वही सारी जो सत्ता की विसंगतियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है, पूरे संसार में है, दुनिया में है। तो जोशी जी ने बड़े रोचक तरीके से उसकी छवियों को दर्ज किया है। कुछ के मैं शीर्षक बता रहा हूँ कि झाड़ी मतलब बुश, मॉर्निंग एंड मॉर्निंग सक्रियता के संस्कार, गौरवोमीटर मतलब आप निश्चिंत रहिए, और अद्भुत तरीके से उनने एक एक इतने बड़े लोकतंत्र का जो प्रतीक है अमेरिका, वहाँ का जो राष्ट्रपति कैसे 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 काम करते हैं, कैसे उनकी नीतियों से पूरा संसार प्रभावित होता है, तो उसके ऊपर जोशी जी ने उसी भाव से उसी सच्चाई से उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। तो शायद एक उनका जो लेखकी कर्म है वो किसी एक दिशा में नहीं है, शायद ही ऐसा कोई विषय हो समसामयिकता से लगा के, और आधुनिक समय की जितने भी संसार में विषय हो सकते हैं सब पे जोशी जी ने अपनी कलम चलाई है। अब मैं जल्दी से मनीष जी से आग्रह करूंगा कि सृजन कर्म के ऊपर अपनी बात रखें। मनीष जी जी, तो मैं संक्षेप में थोड़ी बहुत बात कह देता हूँ रचना के बारे में और सृजन कर्म के बारे में। मुझे जो लगता है सबसे बड़ी चुनौती, और आज के इस युग में जब मतलब इंटरनेट के द्वारा आपकी पहुंच मतलब हजारों लाख, तो आपको तो बस कुछ लाइनें लिखनी है, फेसबुक पे डालनी है, ट्विटर पे डालनी है, और आप लाखों लोगों की नज़रों में आ गए, और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो लोगों को अच्छी लग रही है, तो आप बहुत जल्दी लोकप्रिय भी हो सकते हैं। लेकिन तो सबसे बड़ी मुझे लगती है अभी जो चुनौती वो है लोकप्रियता से अपने आप को बचाना, क्योंकि लोकप्रिय बनने के चक्कर में आप किस विषय पर किस तरह की बात, कितनी गंभीर और कितनी गूढ़ बात आप कहना चाह रहे हैं, वो सारी बातें बहुत आसानी से गायब हो जाती है इस लोकप्रियता की दौड़ में। और सबसे बड़ी लोकप्रियता तो हमने देखी है, जो मतलब जो शुरुआत में बात हुई कि शक्तिशाली लोगों
ये का स्तुति गान सबसे आसान है क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय आसानी से हो सकता है। स्तुति गान किया आपने, और क्योंकि जो सत्तारूढ़ और शक्तिशाली लोग हैं उनका उनका एक समाज में दबदबा है, तो अगर आप उनका स्तुति गान करेंगे तो आपके आपका भी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो अगर जिस भी तरह से आप इस बात से बच सके और आपके अंदर जो कचोटने वाली चीजें हैं उसके बारे में बात कह सकें, तो आपका रचनाकार मेरी नजरों में बेहतर हो सकता है। दूसरी जो मुझे बात लगती है वो ये भी है कि हम लोग जिस तरह के जीवन आजकल जी रहे हैं, तो जीवन में कोई बड़ी समस्याएं, कोई बड़ी परेशानियां है नहीं, और इंसान ने अपना दायरा इतना सीमित कर लिया है कि दूसरों की जो तकलीफें हैं वो हम देखना नहीं चाहते। तो कोशिश करके हर तरह के लोगों की समस्याएं, उनकी जो दुख है, उनके जो जीवन में समस्याएं विसंगतियां हैं उनकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें, तो आपका आपका अंदर से आपका जो लेखक है, आपके अंदर का जो रचनाकार है, वो उसे एक तरह का बल मिल सकता है। ये दो तीन छोटी बातें मुझे मेरे दिमाग में आई तो यही कहना चाह रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और बहुत थोड़ा समय बचा है, मैं इस पूरी गोष्ठी सेमिनार का समारोह करते हुए जोशी जी का एक संग्रह है निर्गुण कौन देश को बासी, तो उसकी छोटी सी अपनी बात है वो मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। तो उनने लिखा है कि जो ईश्वर की तरह निर्गुण और निरपेक्ष है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, पर जो दुनिया में है और जिसके कर्म सत्कर्म दुष्कर्म हमें प्रभावित करते हैं उसकी समीक्षा करने का अधिकार सबको है। यह समीक्षा व्यक्ति नहीं उसके कर्मों की होती है, पाठकों की सुविधा के लिए शब्द नाम तारीख घटना सगुण अगुण ये सब लेखक अपने स्तर पे बदल सकता है। इसलिए वो कहते हैं जोशी जी कि प्रिय पाठक आप भी प्रत्येक आलेख समाप्त करते करते व्यक्ति को भूल जाएं और विचार को कर्म में ढालने के लिए सहेज लें। तो जोशी जी का लेखकी कर्म व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति से उनको कोई मतलब नहीं है, उसके कर्मों के संदर्भ को जहाँ तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ और उसके ऊपर गहराई से समझने का मैंने प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चुनौती लेखक की चुनौती इसी बात की है कि हम हमारा जो मत है, हमारा जो अभिमत है, उसको दर्ज करने से, उसको व्यक्त करने से सबसे ज्यादा हम डरते हैं। तो सबसे ज्यादा लेखक की चुनौती यही है कि जो लेखक है वो बड़ा डरा हुआ है, हिसाब किताब लगाता है लिखने के प्रति कि अगर हमने इसको लिख दिया तो इसका क्या परिणाम होगा। तो व्यंग्य तो और ऊंचे स्तर की बात है, साहस और भय से मुक्त होने के लिए सबसे पहला बड़ा कदम है लेखक की चुनौती को अगर हमको बनाए रखना है। तो ये गोष्ठी के सेमिनार में आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी का, उमेश जी का, मनीष जी का और राहुल जी का, और गुरु जी को भी बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, उनने समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुरु जी सतायु हों और निरंतर लिखकर हम सभी को इसी तरह से मार्गदर्शित करते रहें, हमें इसी तरह राह दिखाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक तौर पे इस गोष्ठ सेमिनार को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते। हाँ, बस यही कामना करो कि खटिया का सेवन न करना पड़े, काम ना करना पड़े, नहीं करते नहीं चलते फिरते करते रहिए, ही चलते कर फिरते रहिए, भ्रमण करिए आप। हाँ चलिए, नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ।